दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू लाइफ ऑन व्हील्स। दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं लाइफ ऑन व्हील्स का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सियाज में मिलने वाले स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में और देखेंगे इसमें कितने सारे सेटिंग्स आपको मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शंस इसमें हैं और क्या क्या चीज़ें आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ, ये स्क्रीन आपको सिर्फ सियाज के टॉप वेरियंट में मिलेगा, बाकी वेरियंट्स में ये स्क्रीन जो है अवेलेबल नहीं होती है। आप चाहें तो इस स्क्रीन को अलग से शायद फिट करवा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो आप मारुति शोरूम में जाके पता कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें बात करते हैं दिए गए कंट्रोल्स के बारे में। इसमें फ्रंट स्क्रीन में टोटल नंबर ऑफ 7 कंट्रोल्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला कंट्रोल जो है वो ये है, इससे आप म्यूट या अनम्यूट दो चीज़ें कर सकते हैं, वन टैप पे म्यूट, वन टैप पे अनम्यूट। और इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो स्क्रीन आपका स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा, और दोबारा से इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो स्क्रीन आपका नॉर्मल मोड में आ जाएगा। बट ये सारी चीज़ें तब काम करेंगे जब आपका इंजन ऑन होगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको जैसे 1, 2, 3, 4 चार तरह के डिस्प्ले मिल जाती है, इन चारों के बारे में बात करेंगे आगे। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कार्ड स्लॉट, जो कि यहाँ पे है, ये है आपका कार्ड स्लॉट, देख सकते हैं ये इसमें कार्ड लगता है, मैप डाटा का ये कार्ड है जो आपके कार में इनबिल्ट GPS सिस्टम है, उसमें आपको ये मैप दिखाएगा। इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन है आपके पास होम बटन, ये है आपका होम बटन। अगर आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मैप को यूज़ कर रहे हैं और आप इससे वापस जाना चाहते हैं, आप सिंपली होम बटन प्रेस करेंगे और आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। चौथा बटन है आपके पास एक्टिव वॉइस कंट्रोल, ये है हमारा एक्टिव वॉइस कंट्रोल। प्लीज से अ कमांड। तो ये कार जो है वॉइस कंट्रोल, वॉइस कमांड सपोर्ट करेगा। इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्ले म्यूजिक, किसी को आपको कॉल करना है जो आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा थ्रू ब्लूटूथ, या फिर आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंडिंग स्पीच रिकॉग्निशन। आप स्पीच रिकॉग्निशन को स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, स्टीयरिंग पे भी बटन प्रेस दिया हुआ है जिसको यूज़ करके आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है सेटिंग का ऑप्शन, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं, साउंड सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, क्लॉक सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मैट्रिक है, लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, और इसके बाद सिक्योरिटी पिन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, रिसेट फैक्ट्री सेटिंग्स, डाटा कैरियर वर्जन या फिर सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग्स में मिल जाएंगी। वापस जाने के लिए आप दोबारा सेटिंग को प्रेस करेंगे और आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। और हमारा लास्ट और सेवन्थ ऑप्शन है वॉल्यूम कंट्रोल। यहाँ पे देख सकते हैं आप वॉल्यूम प्लस और माइनस दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे इसको इस तरह करके प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे से टच करके भी रखेंगे तो ये प्लस होता जाएगा, यहाँ पे टच करके रखेंगे तो माइनस होता जाएगा। तो ये हो गए कंट्रोल्स की बात। टोटल नंबर ऑफ 7 कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पावर बटन, डिस्प्ले बटन, SD कार्ड स्लॉट, होम बटन, स्पीच रिकॉग्निशन बटन और सेटिंग ऑप्शन, एंड सेवेंथ इज द वॉल्यूम कंट्रोल। ये 7 चीज़ें आपको मिलती है स्क्रीन के सामने में। तो अब सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन बात करेंगे, कौन कौन से बटन से आप किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं इसमें मिलने वाले फीचर्स के बारे में, ये सपोर्ट करता है AM और FM ट्यूनर के साथ, 18 FM चैनल्स और 12 AM मैनुअल प्रीसेट्स अवेलेबल हैं इसमें, DRM ट्यूनर ऑप्शनल है जिसमें 12 मैनुअल प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, USB SD एंड iPod सपोर्ट करता है जो आपको सपोर्ट करेगा MP3, WMA, AAC, WAV, 3GP, ऑडियो बुक, MPG एंड AVI फाइल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग प्लेलिस्ट, ब्राउजिंग, शफल और रिपीट। चौथे फीचर्स के बारे में बात करें तो वो है ऑक्स ऑडियो इनपुट एंड DVD वीडियो इनपुट। ऑक्स भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, जो नीचे में दिया हुआ उसको मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। उसके बाद पांचवा ऑप्शन है हमारा ब्लूटूथ, जिसे आप हैंड्स फ्री कॉल कर सकते हैं, फोन बुक एक्सेस कर सकते हैं और अपना म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं जो कि म्यूजिक आपके सेलफोन में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, उसमें आप कर सकते हैं एप्पल कार प्ले, मिरर लिंक या फिर एंड्रॉयड ऑटो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा साउंड एडजस्टमेंट, साउंड एडजस्टमेंट में आप कर सकते हैं बास, टेरेबल, बैलेंस या फेडर या फिर 6 इक्वलाइजर प्रीसेट्स भी आपको दिए हुए हैं जिसको आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉइस कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल से भी काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं आप। उसके बाद हमारा ऑप्शन है GPS नेविगेशन, जैसा मैंने आपको मेमोरी कार्ड दिखाया, मेमोरी कार्ड जब कार में लगा रहेगा उसी टाइम आप कार में दिए हुए मैप
के सिस्टम को यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टीयरिंग माउंट, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल। स्टीयरिंग व्हील पे भी काफ़ी सारे कंट्रोल सबको दिए हुए हैं, जैसे वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट करने का बटन, मोड चेंज करने का बटन। मोड से मेरा मतलब है ऑक्स प्ले करना चाहते हैं, FM प्ले करना चाहते हैं, अपने सेलफोन के थ्रू म्यूजिक स्ट्रीम करना चाहते हैं, वो सारे सेटिंग आप मोड में चेंज कर सकते हैं। सॉन्ग्स भी आप चेंज कर सकते हैं, उससे भी कंट्रोल स्टीयरिंग पे माउंटेड है। स्टीयरिंग पर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, और आपको मिल जाता है कॉल रिसीव करने का बटन, डिस्कनेक्ट करने का बटन, और स्पीच रिकॉग्निशन का बटन। तो ये सारे फीचर्स आपका इस स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सिस्टम को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन चार में से कोई भी ऑप्शन आपको यूज़ करना है, सिंपली आप उसके ऊपर टैप करेंगे। तो जैसे देखिए हमारा FM ओपन हो गया है। अब FM में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये आ गया हमारा FM। उसके बाद आप होम बटन पे जाएंगे, आपको किसी को कॉल करना है, आप कॉल पे टैप करेंगे, आपका ये फ़ोन बुक खुल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको गाइडेंस का दिया हुआ है, यहाँ पे आपका मैप ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्मार्टफोन अगर लिंक है तो वो इसमें डिस्प्ले करेगा। उसके लिए चाहिए आपको केबल, आप केबल से लिंक करेंगे तो आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले इसमें ईजिली यूज़ कर पाएंगे। अब चलते हैं होम बटन पर। तो अब सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लिसन का ऑप्शन है, इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप देखिए रेडियो FM1, FM2, FM AST, FM AM, AM AST, DRM, DRM AST। इसके अलावा आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं जाओ तो आप जाएंगे मीडिया में। मीडिया में आपको ऑप्शन मिल जाएगा iPod, USB, AUX, ब्लूटूथ एंड SD कार्ड। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं और आपके सेलफोन में जो भी सॉन्ग्स हैं, तो आप ब्लूटूथ ऑप्शन को टिक करेंगे और आपके सेलफोन में जो भी सॉन्ग्स होंगे वो आप इजीली प्ले कर पाएंगे। आपने आईपॉड कनेक्ट कर रखा है या फिर आप यूएसबी, जिसे हम पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं, पेन ड्राइव के थ्रू सॉन्ग्स प्ले करना चाहते हैं, या फिर आप ऑक्स के थ्रू प्ले करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और एसडी कार्ड लगा के भी आप इजीली सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। तो ये हो गए रेडियो की बात, ये हो गए लिसन की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, वो है हमारा ये ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अंशुमन आईफोन, मेरा आईफोन थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टेड है मेरे कार से अभी। तो इसमें आप कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, आपको स्क्रॉल करना है, किसी भी कॉन्टैक्ट्स को आप इजीली कॉल कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मिल जाता है डायल पैड, जिसमें आप कोई भी नंबर डायल करके इजीली कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे डिलीट, यहाँ से इसको कर देते हैं बैक। आप चलते हैं होम बटन पे। चौथा और तीसरा ऑप्शन है आपके पास गाइडेंस का। तो ये है हमारा मैप, जो इनबिल्ट मैप इस मेमोरी कार्ड में अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लोकेशन, मेरा जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ वो लोकेशन ये शो कर रहा है। तो उसके अब मैप्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि न्यू एड्रेस या फिर नियर बाय सर्च, कोऑर्डिनेट्स पे आप डाल सकते हैं, और आपने पहले जो भी एड्रेस सर्च किया होंगे वो सारे एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। जैसे किसी भी एड्रेस को आप फेवरेट्स में सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेवरेट्स में मेरा है होम। होम में जाके आप अपना एड्रेस इनपुट कर सकते हैं, इधर आप अगर आप अपने घर पे खड़े हैं तो करंट पोजीशन कर दीजिए, घर पे नहीं खड़े हैं तो इंटर एड्रेस कर दीजिए, और आप अपने घर का एड्रेस मेंशन कीजिए तो एज ए होम बेस सेट हो जाएगा। तो इन फ्यूचर कभी आप कहीं से भी अपने घर की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ होम बटन पर प्रेस करेंगे और मैप आपको डायरेक्शन दिखा देगा आपके घर की तरफ। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुछ मैप के बारे में। मैप में आपको कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें इतनी सारी चीज़ें डिस्प्ले हुई है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे वन बाई वन। तो फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कोई एड्रेस सेट कर देता हूँ इसमें, जिससे कि आपको बताने में सब कुछ इजी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, डिटेल इन्फॉर्मेशन में दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द होम एड्रेस आई एम सेलेक्टेड, ये दिखा रहा है हॉस्पिटल सेक्टर जेएलएन चौक छत्तीसगढ़। इसको आप अपने फेवरेट्स में सेट कर सकते हैं, और अगर आपको इस डेस्टिनेशन पर पहुँचना है सिंपली आप इसको टैप करेंगे, कैलकुलेटिंग रूट, ये रूट कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा कि यहां से मेरा जो डिस्टेंस है, मेरा जो एड्रेस है उसका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से ये दिखा रहा है अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स, और रीच पहुँचने का मेरा टाइम है 5:13, अभी हो रहे हैं 4:52, और टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन जो दिखा रहा है वो है 21 मिनट्स का। तब इसमें इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, हर एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है मैप के स्केल को रीसेट करने के लिए, ठीक है। और इधर जो ऑप्शन मिल रहा है ये है मैप को जूम करने के लिए, ठीक है। और ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इससे आप मैप का एक दूसरा व्यू देख सकते हैं, या फिर ये जो फॉर एग्जांपल मुझे रूट दिखा रहा है, आप यहाँ से दूसरा रूट भी चेकआउट कर सकते हैं कि और कौन से रूट से आप जल्दी पहुँच पाएंगे। चलते हैं यहाँ से वापस, इस बटन को प्रेस करते हैं आप वापस आ जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये जो हमारा
ये जो दिखा रहा है ये ऑटो जूम में है, मतलब कि जैसे जैसे हम डेस्टिनेशन के पास पहुंचेंगे या जैसे ही कोई भी टर्न आता है या फिर कोई भी चौक आता है या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो मैप ऑटोमेटिक जूम कर देगा। और ये जो ग्रीन वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं ये है हमारे व्हीकल का पोजीशन। मेरी व्हीकल अभी इस तरफ फॉरवर्डेड है, इसीलिए ये इस तरह आपको डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद आपको दिखा रहा है यहाँ का करेंट एड्रेस जो कि सुंदर नगर रोड, और दिखा रहा है कि नेक्स्ट 400 मीटर्स में मुझे राइट साइड में टर्न करना है। यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन, तो यहाँ पे है वॉल्यूम का ऑप्शन जो कि इसका जो गाइडेंस है, जो सिस्टम हमारा हमें इन्फॉर्म करता है कि कहाँ से टर्न करना है, कहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, उसके लिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। ये दिखा रहा है 400 मीटर्स पे आपको टर्न करना है। ये आपको दिखा रहा है डायरेक्शन जो कि है नॉर्थ। तो मैप में दोस्तों आपको मिल जाती हैं इतनी सारी चीज़ें, और ये है हमारा डेस्टिनेशन जो कि 10 किलोमीटर के आसपास है। आपने देखा अभी का करंट टाइम दिखा रहा है 4:54, अराइवल टाइम दिखा रहा है 5:15, और टोटल डिस्टेंस टाइम दिखा रहा है 21 मिनट्स में मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा अगर अभी मैं यहां से निकलता हूं तो। उसके अलावा जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप गाइडेंस को स्टॉप कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर आप रूट चेकआउट कर सकते हैं, डेस्टिनेशन इन्फो देख सकते हैं, रूट का लिस्ट देख सकते हैं, आपको कहां से कितनी दूरी पर टर्न करना है, कहां पर क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको ये दिखाएगा। उसके अलावा ब्लॉक रूट लिस्ट कर सकते हैं, अगर कोई रास्ता ब्लॉक है और इसको अगर पता चल जाता है तो ये आपको बता देगा। साथ ही साथ अगर आप इस एड्रेस पर नहीं जाना चाहते हैं, किसी और एड्रेस पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एड्रेस इनपुट कर सकते हैं, आप किसी भी दूसरे प्रीवियस एड्रेस पर जा सकते हैं या फिर अपने फेवरेट्स पर जा सकते हैं। चलते हैं वापस। और मैप यूज़ करते टाइम अगर आपको यूज़ करना है अपना म्यूज़िक सिस्टम तो आप यहाँ से जाके म्यूज़िक सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये इससे उस सेम तरह यहाँ जाके आप मैप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर टैप करेंगे तो आप कॉल कर पाएंगे, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर पाएंगे, अपने डायल पैड को एक्सेस कर पाएंगे, और अगर आप अपने फ़ोन को पेयर करना चाहते हैं या फिर आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी स्मार्टफोन कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट में अगर करूँगा तो यहाँ पर मेरा स्मार्टफोन का जो स्क्रीन है वो मिरर हो जाएगा, तो जो भी मेरे स्मार्टफोन के कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसको आप इसके थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे। आ जाते हैं होम ऑप्शन पे, और आपको बता दें जब भी आप सेलफोन कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा दिखाता है सेलफोन का सिग्नल, कौन से नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोन का मॉडल नंबर क्या है वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अब चलते हैं वापस। ये सारी चीज़ें हो गई मैप के बारे में, और चौथा ऑप्शन है हमारा स्मार्टफोन जिसको जब लिंक करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि एंड्रॉइड ऑटो किस तरह से कनेक्ट करना है। जब इसको हम लिंक करेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि एंड्रॉइड ऑटो को किस तरह कनेक्ट करना है और एप्पल कारप्ले को किस तरह कनेक्ट करना है और कितने सारे फीचर्स आप उसमें यूज़ कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे जब हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, हाउ टू कनेक्ट एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इन मारुति सियाज, तो उसको भी आप देख सकते हैं इन बाद में। चलते हैं होम स्क्रीन के बारे में। अब बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग्स में आपको मिल जाता है, सबसे पहला ऑप्शन है साउंड सेटिंग का, जिसमें आप बास, टेरेबल, बैलेंस, फेडर, इक्वलाइजर, प्रीसेट्स पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हुए हैं, इसको आप यूज़ करके अपने सॉन्ग का टेस्ट चेंज कर सकते हैं। और आप बास, टेरेबल, बैलेंस, फेडर जिसमें जो भी ऑप्शन आपको चेक करना है सिंपली आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है ये स्पीड डिपेंडेंट वॉइस कंट्रोल। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है जब भी गाड़ी हमारी चल रही है और हमने वॉल्यूम मान लीजिए सेट कर रखा है 5 के ऊपर, तो जैसे जैसे हम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो टायर से आने वाले नॉइज़ या फिर विंड की जो नॉइज़ आती है गाड़ी के अंदर उसके अकॉर्डिंग कार जो है अपनी स्पीड ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा ताकि आपको ऑडियो जो है क्लियरली ऑडिबल हो। ऐसा ना हो कि ऑडियो के साउंड बहुत कम है और आपकी कार या बाहर के विंड के साउंड बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें सॉन्ग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब होता है स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल। इसमें भी आप लेवल 1, 2, 3 कोई भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लेवल 1 कर दिया और इसको कर देते हैं बैक। ये हो गया साउंड सेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डिस्प्ले सेटिंग, जिसमें आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं या फिर मोड चेक कर सकते हैं। मोड है अभी डे, ब्राइटनेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से निगेटिव कर सकते हैं, यहाँ से प्लस कर सकते हैं, 7 तक ये ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है क्लॉक सेटिंग। क्लॉक सेटिंग में आप डेट फॉर्मेट डेट चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, क्लॉक सेटिंग मोड चेंज कर सकते हैं या फिर टाइम जोन सेट कर सकते हैं। आप देखते हैं डेट किस तरह चेंज करना है आपको, डेट, मंथ, ईयर, ये सारे डेट के फॉर्मेट्स हैं, किस फॉर्मेट में आप डेट को देखना चाहेंगे वो फॉर्मेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और डेट कैसे सेट करना है वो आपके में दूसरे स्क्रीन में डिस्प्ले होता है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं बस। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम फॉर्मेट, को 12 आवर्स में चाहिए या फिर 24 आवर्स में चाहिए, उसको भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लॉक सेटिंग मोड,
क्लॉक सेटिंग मोड में आप जीपीएस कर सकते हैं या फिर मैनुअल कर सकते हैं, तो मैंने जीपीएस रख दिया है। और टाइम जोन हमारे इंडिया में चलता है +5:30 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, तो आप इसको सेट करके रखेंगे ज़्यादा बेटर है। अगर आप किसी और कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप वहाँ का टाइम जोन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है समर टाइम को वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लैंग्वेज सेट कर सकते हैं आप, इंडियन इंग्लिश, यूके इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे तो नहीं, टोटल 3 और 2 5 ऑप्शंस हैं आपके पास। पांचों में से जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगे आप उसको इजीली चूज़ कर पाएंगे। और ये हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको मैट्रिक या इंपीरियल में चेक कर सकते हैं, तो इसमें मैट्रिक में ही रहने देते हैं। लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, अब चलते हैं होम बटन पे। सेटिंग में इसके अलावा आपको मिल जाता है सिक्योरिटी पिन, जहाँ से आप सिक्योरिटी पिन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, ओके कर दिया 1 2 3 4 एंड ओके। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसकी जानकारी के लिए आप इस लिंक को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उससे रिलेटेड बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर से चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स। तो अगर आपको कोई भी सेटिंग समझ में नहीं आ रही या फिर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किस कौन सी सेटिंग को किस तरह से चेंज करना है, तो आप इसमें रीसेट फैक्ट्री सेटिंग्स कर सकते हैं। और जिस तरह से कम गाड़ी आपकी बन के आई थी और जो भी सेटिंग्स उसमें अवेलेबल थे वो सारे सेटिंग्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे और सब कुछ रीसेट हो जाएगा जो भी कस्टमाइजेशन आपने इसमें किया होगा। तो फिलहाल हमको नहीं करना है ये। तो ये हो गए इसमें मिलने वाले सेटिंग्स, जिसको यूज़ करके आप इसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे अपने स्मार्ट प्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टम को। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बीच में एक स्टार का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और आप स्टार पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको इजीली शॉर्टकट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कॉल करना है, म्यूज़िक को आगे पीछे करना है, या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करना है, या फिर आप अपने होम बटन जो भी आपके फेवरेट्स में मैप में सेट हैं उसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ से उसको कर देते हैं बैक। और ये है हमारा टाइम जो डिस्प्ले कर रहा है, इसको आप यहाँ से कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। अगली वीडियो में बात करेंगे किस तरह से कनेक्ट करेंगे अपने एप्पल के आईफोन को, या फिर आप एंड्रॉयड का कोई फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसको भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, और देखेंगे दोनों में क्या क्या सेटिंग आप चेंज कर पाएंगे और कितने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। तो फिलहाल इसमें इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सियाज से रिलेटेड किसी और इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।